हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी गुरु। गाइस, एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी न्यूज़ और एक बहुत बड़ी खबर आई है बजाज चेतक के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बॉश कंपनी की बैटरी, बॉश कंपनी की मोटर, बॉश कंपनी का ही बैटरी मैनेजमेंट यूनिट और मोटर कंट्रोलिंग यूनिट, ये सारे जो मेन पार्ट्स है बॉश कंपनी के आते हैं। और बॉश एक बहुत ही रिलायबल कंपनी है, इसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। इसी की वजह से बहुत लोग बजाज चेतक को चूज भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बॉश के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। पर अब बजाज चेतक में अब से बॉश के पार्ट्स नहीं आएंगे। हाँ गाइज, बॉश के पार्ट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बल्कि बजाज ने इसको बदला है एक इंडियन कंपनी मिंडा से। मतलब अब से चेतक में बैटरी आएगी, जो मोटर आएगी, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और मोटर कंट्रोलिंग यूनिट वगैरह, ये जो आएंगे मेन पार्ट्स, वो बॉश के नहीं होंगे और मिंडा कंपनी के लगे हुए आएंगे। मिंडा जो कंपनी है, ये भी एक बहुत पुरानी इंडियन कंपनी है और ऑटोमोबाइल सेक्टर के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज बाहर के देशों में भी करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बजाज का कदम सही है या गलत। शायद बजाज ने कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया है, या फिर बॉश और बजाज के बीच में कुछ हो गया है। अब ये तो हमें भी नहीं पता है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है बजाज का। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाली बजाज चेतक में जो मिंडा के प्रोडक्ट्स आएंगे, वो भी बॉश की तरह ही रिलायबल हो और चेतक की रेंज, चेतक की परफॉर्मेंस में कुछ भी बदलाव ना आए। वरना जो लोग बॉश के प्रोडक्ट्स लगा है ऐसा सोच के चेतक ले रहे हैं, उनके साथ गलत हो जाएगा गाइज, ऐसा हमें बिल्कुल लगता है। और इसी के साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर बजाज ऐसे बड़े बदलाव अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर में, जो कि बहुत ही फेमस है, जिसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत लोग ले भी रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि बजाज ने ऑफिशियली लोगों तक ये बता देनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट के जरिए या कुछ एडवर्टाइज करके ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। मतलब लोग भी अवेयर हो जाएंगे कि अब चेतक में बॉश नहीं बल्कि मिंडा के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। तो ये था गाइज आज का वीडियो। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो भी अपडेट मार्केट में आते हैं, उसको कोई न्यूज़पेपर में नहीं दिखाया जाता, ना कि टीवी में भी दिखाया जाता है। तो हम हमारे चैनल के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जो भी छोटे अपडेट, बड़े अपडेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिव्यू, ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही और इससे भी बेहतरीन वीडियोज़ में। टिल देन, कीप स्माइलिंग, गो ग्रीन एंड एन्जॉय योर लाइफ।